हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की एक नई रेसिपी जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमने चार आलू ले लिए हैं, उसे छील कर हमने पानी में डाल लिया है ताकि ये काला ना पड़े, और इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसे अब हम कद्दूकस करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे एक प्लेट और उसमें हम ये आलू निकाल लेंगे और ये पानी को हम साइड कर लेते हैं। और ये हम लेंगे एक कद्दूकस और उसके लिए हम ये जो आलू है उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। इसे लंबे आकारों में कद्दूकस करना है, जितना लंबा हो सकता है। इस तरह से आप जैसे इसका छोटाई होता है तो उसे छोटा छोटा होता है, ये थोड़ा लंबा लंबा में करेंगे तो लंबा लंबा आएगा। तो इसे इसी तरह से हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम पूरे आलू को कद्दूकस कर रेडी कर लेते हैं। इसे हमने कद्दूकस कर लिया है और इसे अब हम पानी में डालकर अच्छे से 4 से 5 पानी से हम धोकर इसे रेडी कर लेते हैं। जब तक इसका पानी साफ ना हो जाए तब तक हम धो लेते हैं। इसे हमने 4 से 5 पानी से अच्छे से धोकर रेडी कर लिया है। ये देखिए, बढ़िया से धुल गया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। इसमें हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने नमक ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें हम डालेंगे 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर और ये लेंगे हम 1/4 स्पून हल्दी और इसमें हम डालेंगे 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स। आप तीखा अपने अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसे बस ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर रेडी कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। ये हमने गैस पे एक पैन चढ़ा लिया है, फ्राई पैन है, और इस पर इसमें हमने 1 स्पून तेल डाल दिया है। ये हमारा तेल है जो गर्म हो गया है। ये हमने सरसों का तेल लिया है, आप जो भी तेल खाते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम ये जो हमने मैरिनेशन करके रखा था उसे हम डाल लेंगे। इस तरह से हम पूरे पे बराबर में फैला देते हैं। इसे हमने अच्छे से बराबर से फैला दिया है और इसे हम गैस का फ्लेम मीडियम करके और इसे एक तरफ से गोल्डन होने तक पकने देंगे। और थोड़ा अगर देखेंगे कम तेल लगेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर से इस तरफ से साइड से हम तेल डाल लेंगे एक स्पून के आसपास। तो अभी हम एक तरफ से गोल्डन होने देते हैं, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा और लगेगा, थोड़ा सा और लगेगा, फिर पलट लेंगे। इसमें हमने 1 स्पून तेल और ऊपर से डाला था चारों तरफ से। अब इसे हम पलट लेते हैं चारों तरफ से, इस तरह से छोड़ा लेते हैं। इस तरह से करके हम इसे अच्छे से पलट लेते हैं। हमने पलट लिया है। अब इस पर हम डालेंगे फिर से 1 स्पून चारों तरफ से तेल दे देंगे, नहीं तो फिर ये नीचे से लगने लगेगा। और इसे हम फिर से उस तरफ से भी खर कर लेते हैं। आप इसे चारों तरफ से, बीच में ही सिर्फ लगेगा तो बीच में जलने का डर रहेगा, इसलिए चारों तरफ से घुमा घुमा के थोड़ा देर पे पका लेना है। अब देख लेते हैं हम दूसरी तरफ गोल्डन हुआ है या नहीं।
नहीं, थोड़ा सा अभी और लगेगा, फिर इसे हम पलट लेंगे। इसे अब हम पलटने का ट्राई करते हैं। ये देखिए अंदर से ये बहुत अच्छे से अब छूट गया है, तो इसे हम एक प्लेट की सहायता से इस तरह से इसे कर लेंगे, और इसे अब हम फिर से ये दूसरे तरफ को फिर से इसी में डाल देंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से पलटा जाएगा। आप फर्स्ट टाइम भी उसी तरह से आप पलट सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से पलटा गया, और इस तरफ बहुत अच्छे से गोल्डन भी हो गया। तो अब उस तरफ थोड़ा सा गोल्डन होना और बाकी है, तो उस तरफ भी है और थोड़ा सा हम कर लेते हैं, फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब ये हमारा बन गया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब जिस तरह से हमने उस टाइम निकाला था, उसी तरह से इस टाइम भी हम पलट लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, ये गोल्डन गोल्डन हो गया है, ऊपर से कुरकुरा हो गया है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसे हम अब काट लेते हैं। इसे आप पिज्जा कटर से भी काट सकते हैं, तो और या फिर चाकू से भी आप काट सकते हैं। तो हमने ये चाकू ले लिया है, और इस तरह से हम इसे काट लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से कट जाएगा। और इसे हम फिर इस तरह से काट लेंगे। इसमें हमने मसाला बहुत ही कम यूज किया है, तेल भी हमने बहुत ही कम यूज किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा सा बना है। अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर दीजिएगा, जिन्हें कि आप ये सब खाने को बहुत ही शौकीन हो। तो इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है, और आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हमने सॉस के साथ सर्व किया है, आप ग्रीन वाली चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर वो जो टमाटर का चटनी घर पे बनाते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। तो आज का रेसिपी आपको हमारा कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।